जलती कार में जिंदा जलने वाले लोगों के नाम सामने आ गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में एक 22 वर्षीय युवती भी है जो कोरबा के बालको क्षेत्र की निवासी है। वहीं दो युवक पेंड्रा और बिलासपुर के निवासी हैं। सभी की पहचान कंकाल से मिले चेन, अंगूठी और कड़े के आधार पर मृतकों के परिजन और मित्रों ने की है सामने आया है, जिसमें गांव जाने के लिए रकम का हवाला देकर ठग दंपति ने एक युवक के सामने मोबाइल बेचने की पेशकश कर दी। उनके मासूम बच्चों पर रहम दिखाकर युवक ने 5000 में मोबाइल खरीद लिया, लेकिन थोड़े ही देर बाद युवक को अपने ठगे जाने का एहसास हो गया। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को बदलकर 4 कोड में बदलने का काम किया है। हालांकि मजदूरों के विरोध के कारण यह लागू नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियनों का गठन एक उद्देश्य के साथ किया जाता है। वर्तमान में ट्रेड यूनियन इससे विरक्त होते जा रहे हैं। यह बातें कोयला मजदूर पंचायत महामंत्री विनय कुमार ने प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कोरबा के बंग समाज के लोग उस वक्त आक्रोशित हो उठे जब देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बेनिहारिका स्थित सुभाष चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन मौके पर गंदगी के आलम को देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और फोन कर महापौर को जमकर खरी खोटी सुनाई। आनन फानन में निगम कर्मियों द्वारा प्रतिमा की सफाई करवाई गई, तब जाकर वे शांत हुए। कक्षा 7वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे मार देने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला जांजगीर जिले का है, जहां बलौदा थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पीड़िता पैदल अपनी मामी के घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी किशन बंजारे मौके पर पहुंचा और उसे उसके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने उसे अपनी बाइक में बिठा लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उर्गा थाना अंतर्गत भैंसमा चौक पर जबरदस्त हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवे की ठोकर से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर जिले की मुलमुला पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा छोटा हाथी वाहन में चोरी के कबाड़ का परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम नरियरा निवासी जितेंद्र रात्रे और अनिल बंजारे लोहे के एंगल और जाली को लेकर कहीं जा रहे थे। त्रिमूर्ति चौक के पास उन्हें रुकवा कर पूछताछ की गई, तब वे सामान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सामान को जब्त कर जरूरी कार्रवाई कर रही है।